दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एक कैलकुलस का क्वेश्चन जो जेई 2004 का पार्ट था। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें दिया है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई स्क्वायर ओवर 16 से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू कॉस रूट थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा, और पूछा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू पाई पे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों क्योंकि इंटीग्रल का वेरिएबल थीटा है, कॉस एक्स को इंटीग्रल में कॉन्स्टेंट माना जाएगा, और इसलिए हम कॉस एक्स को इंटीग्रल के बाहर निकालकर लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रल पाई स्क्वायर ओवर 16 से एक्स स्क्वायर कॉस रूट थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। कॉस एक्स को बाहर निकालकर मिले इंटीग्रल को नाम देते हैं वाई वन, तो वाई बना वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू वाई वन। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वाई वन। अब दोनों साइड्स को x इज इक्वल टू पाई पर इवेल्युएट किया तो मिला dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू कॉस पाई इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस साइन पाई इंटू वाई वन एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अब दोस्तों क्योंकि साइन पाई इज इक्वल टू जीरो होता है, RHS का दूसरा टर्म बनेगा जीरो, और बचेगा dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू माइनस वन इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई। दोस्तों हमने माना था y1 इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई स्क्वायर ओवर 16 से एक्स स्क्वायर कॉस रूट थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। इक्वेशन को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया और RHS में चेन रूल लगाया तो मिला डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल पाई स्क्वायर ओवर 16 टू एक्स स्क्वायर कॉस रूट थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब दोस्तों क्योंकि RHS के पहले टर्म में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की अपर लिमिट दोनों एक्स स्क्वायर हैं, हम इंटीग्रल के एक्सप्रेशन में थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और RHS का दूसरा टर्म बनेगा सिंपली 2x, माने डी वाई वन बाई डी एक्स बना कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2x। दोनों साइड्स को x इज इक्वल टू पाई पे इवेल्युएट किया तो मिला डी वाई वन बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू कॉस पाई ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई इंटू 2 पाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, जिससे dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आई माइनस वन इंटू माइनस टू पाई इज इक्वल टू 2 पाई, और यही हमारा आंसर है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।